हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एआई बेस्ड इंडिकेटर के बारे में, और उसके बारे में हम जानने वाले हैं क्या वो सच में काम करता है कि नहीं करता है। देखो, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि एआई बेस्ड इंडिकेटर चैट जीपीटी से बनाया हुआ इंडिकेटर, या फिर एक ऐसा इंडिकेटर जो कि एआई बेस्ड हो और वो आपको बाय और सेल का सिग्नल दे, तो क्या वो सच में मार्केट में काम करता है कि नहीं करता। और इसके बारे में हम लोग सारा का सारा सच इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में हम लोग इसके ऊपर बैक टेस्ट करेंगे, प्रॉपर बैक टेस्ट करेंगे, और मार्केट में जाकर के फॉरवर्ड टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो। और गाइस, इसके साथ साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ साथ वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का भी लिंक मिल जाएगा, तो आपको किसी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप खोल सकते हो जाकर के। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ग्रो के साथ अकाउंट खोल लो, क्योंकि वो इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, तो अपन चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखो अभी मैं चार्ट पे इंडिकेटर लगाने जा रहा हूँ, तो इस इंडिकेटर का नाम क्या है, प्राइस एक्शन कलर। अगर आप सर्च करोगे प्राइस एक्शन कलर, आपको सर्च करना है इंडिकेटर सेक्शन में जा करके। तो देखो, मैंने प्राइस एक्शन कलर सर्च करा जिसका 766 लाइक है। तो देखो, ये चार्ट के ऊपर लग चुका है, पूरा का पूरा चार्ट के ऊपर लग चुका है। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट है कि अभी इसको हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, तो एक मिनट के टाइम फ्रेम पे ये काम नहीं करेगा, आपको मिनिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मैं अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखता हूँ। तो देखो, बीच में एक आपको ग्रे लाइन भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो मैं अपना पेंसिल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, देखो आपको बीच में एक ग्रे लाइन भी दिखेगा, तो मैं आपको चार्ट पे मार्क करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली जो प्राइस है, प्राइस आपको कहाँ चल रहा है, तो ग्रे लाइन के जस्ट लेफ्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस देखो, अभी करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, और इसके बाद एक ग्रे लाइन है, तो ग्रे लाइन के आगे में सारा प्राइस फोरकास्टेड प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रे लाइन के आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा है। तो अभी मार्केट में यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस कुछ इस तरीके का आगे में जाकर के मार्केट में बनने वाला है। कुछ टाइम के बाद प्राइस ऐसा जाकर के मार्केट में हम लोग को दिखने वाला है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये सच में ऐसा बनता है कि नहीं बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट दिखाता हूँ इसको मैं थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ से आगे। सो गाइस, फास्ट फॉरवर्ड करने से पहले देखो, यहाँ पे इस चार्ट में एक इशू आता है, कॉमन इशू आता है। देखो, अभी ये चार्ट के ऊपर से ना ये हट चुका है, तो ये इसमें एक इरर आता है, इसके अंदर कुछ एक बग्स है। तो जैसे कि अभी आप चार्ट के ऊपर जाओगे, तो आप इसको वापस से हाइड करके अनहाइड करोगे, तो देखो ये चार्ट के ऊपर लगेगा नहीं। तो आप यहाँ पे रेड डॉट पे क्लिक करोगे, तो ये बताया कि स्टडी इरर, तो मतलब ये इस पैटर्न को किसी कैटलिस्ट को नहीं पहचानता है, तो वहाँ पे ये एक इरर आएगा। तो आपको वापस से टाइम फ्रेम को थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, दूसरे टाइम फ्रेम पे क्लिक करके वापस से इस टाइम फ्रेम पे। तो चलो अभी फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं क्या ये सच में काम करता है कि नहीं काम करता है। गाइस देखो, अभी आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा कि प्राइस जो है, वहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस वहाँ से नीचे फॉल कर गया। जबकि मैं ये जो इंडिकेटर है, आपको जो एआई बेस्ड फेक इंडिकेटर है, ये आपको दिखा रहा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैं आपको यही यहाँ पे बताना चाह रहा था कि ये जो है इंडिकेटर, ये सारा का सारा कुछ एक फेक स्कैम चल रहा है, फेक व्यूअर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए ये सारा कुछ बनाया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे आगे चल के दिखा रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर है ये कैसा काम करता है। उस समय देखो, अगर आप फोकास्टेड डाटा देखोगे तो फोकास्टेड डाटा आपको कैसा दिख रहा था। देखो, फोकास्टेड डाटा आपको इस तरीके का कुछ दिख रहा था चार्ट के ऊपर। सो गाइज, होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि ये सारा जो इंडिकेटर है, ये सारा इंडिकेटर आपको कोई भी एक एक्यूरेसी नहीं दे सकता है, कुछ भी एक आपको सिग्नल नहीं दे सकता है। आपको सिंपली प्राइस एक्शन और मार्केट में जाकर के रियल टाइम पे आपको जाकर के ट्रेड करना पड़ेगा तो पता चलेगा। अगर आप खुद लॉजिकली सोचो कि अगर ये सारा इंडिकेटर आपको सारा एक इंडिकेशन देते रहे, तो जो इतने सारे बिलियनर बैठे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एक अच्छा सा टेक्नोलॉजी खरीद करके और इसी के साथ ट्रेड क्यों ना करे, वो अपना बिजनेस छोड़ करके इसी के साथ ट्रेड क्यों ना करे। तो होप आपको ये सारा का सारा चीज़ लॉजिक समझ में आया होगा कि ये सारे इंडिकेटर के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है, इन सभी इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड नहीं करना है। जो इंडिकेटर आपको मार्केट में अच्छा काम करता है, आपको सिर्फ उसी पे रिलाई करना है, उसके लिए मैं हूँ। आपको कोई भी इंडिकेटर के ऊपर बैकटेस्ट कराना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।